हिंदुस्तान में कई ऐसे खूबसूरत नज़ारे हैं, कई ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं जो एकदम आपकी सांस रोक लेती हैं, अटक जाती है सांस गले में। और ऐसी ही खूबसूरत इमारतों में से एक है जसवंत थड़ा। अटक गई, लेट मी हेल्प यू। थैंक यू। फिर एक बार फिर रॉकी भाई ने जान बचाई। तो जसवंत थड़ा जो है ये 1899 में कहते हैं शुरू हुआ था, 1906 में कंप्लीट हुआ था। और ये बनाया गया था एज ए मेमोरियल फॉर किंग जसवंत सेकंड, उनके बेटे द्वारा जो थे किंग सरदार सिंह जी। देखिए, इसे ताजमहल ऑफ मारवाड़ भी कहा जाता है। अगर आप इसे देखेंगे तो मार्बल के खूबसूरत पत्थर से बनाया गया है, हाईली पॉलिश्ड है, पतली शीट्स यूज़ करी गई हैं मार्बल की, तो जब धूप की किरणें इस पर गिरती हैं तो एकदम रंग जो है धूप का वो मार्बल के अंदर जाके एक इसको अलाइव कर देता है, जिंदा कर देता है। तो बहुत ही एक खूबसूरत नज़ारा है और बड़ी डेलिकेटली बनाया गया है। हिंदुस्तान के कारीगरों की, आर्किटेक्ट्स की इमेजिनेशन की हद कभी नहीं थी। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है और इसके आसपास कई और मेमोरियल्स हैं, सेनोटाइप्स हैं, क्योंकि ये जगह है जहाँ पर जोधपुर की जो रॉयल फैमिली है उनकी क्रिमेशन ग्राउंड भी यहीं पे है, सेनोटाइप्स भी यहीं पे उनकी यादगार में। तो चल के देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। पर अभी इस बिल्डिंग को ज़रा थोड़ी देर के लिए देखिए कितनी खूबसूरत है। देखिए, नहीं प्लीज़, मैं इंसिस्ट करता हूँ, नहीं प्लीज़ देखिए, आप नहीं देखिए, नहीं देखिए। और यह है सेनोटाइप महाराजा जसवंत सिंह द सेकेंड का, बहुत ही खूबसूरत। फिर से बिल्कुल राइट साइड में जैसे आप एंट्री करेंगे पार्किंग लॉट से, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर आपको यही दिखाई देगा, अगेन मार्बल से बना हुआ। और इसके आसपास हैं और मेमोरियल्स। यहाँ पर एक बार एक फ्यूनरल पायर जल रही थी और उसके अंदर एक पीकॉक उड़ गया, उसका भी मेमोरियल यहाँ पर बनाया हुआ। वाह, हाउ ब्यूटीफुल। मेरे को सबसे अच्छे यहाँ पे जो लगता है वो ये कि इनकी जो जो शिल्पकारी थी, जो आर्टिस्ट्री थी, कि मार्बल को घिस घिस के इतना पतला कर देते थे और फिर उसमें जो जाली वर्क होता था, इतना माइन्यूट जाली वर्क जो होता था, और फिर वो जो कॉन्ट्रास्ट देता है ये लाल सैंडस्टोन का, वो बड़ा सुंदर लगता है मेरे को। और मेरे को बड़ा सुंदर लगता है हमेशा लेक, क्योंकि लेक में सर्दियों के मौसम में राजस्थान में हमेशा चिड़िया होती हैं। तो अभी आप वहाँ पर देख रहे हैं दो स्पॉट बिल्ड डक आगे की तरफ बढ़ रही है, उनके पीछे दो कोम डक यानी कि नकता जिसके नाक पे बड़ी कंगी सी होती है। सर, इतनी दूर से आपको पता कैसे लग रहा है? क्योंकि मुझे तो बड़ी मुश्किल से डक दिख रही है, आपको स्पॉट भी दिख रहा है, कोम भी दिख रहा है, मतलब कंगी तक दिख रही है आपको? कहाँ है, दिखाओ, हम नहीं मानते। रॉकी का दिमाग दो धारी तलवार है मेरे दोस्त, मुझे दूर से सब कुछ दिख जाता है। अच्छा, तो ये जो लेक है ये पार्ट है राव जोधा पार्क का, ये जो है ये थोड़ा सा इन्होंने जो डेजर्ट लैंडस्केप है उसको इन्होंने रिन्यू किया है। और जब आप आएंगे आप नेचुरलिस्ट के साथ थोड़ी वॉक के लिए जा सकते हैं और वो आपको यहाँ पे पक्षियों के बारे में बता सकते हैं, थोड़ा जो वाइल्ड लाइफ है और जो डेजर्टिफिकेशन है। या आप रॉकी भैया को फोन कर सकते हैं, रॉकी भैया ये जो कंगी वाली जो डक है जो सुबह उठती है और अपने बाल कंगी करती है वो कहाँ पे है? रॉकी भैया आपको वैसे बता देंगे, यहाँ खड़े हो एंड एट 3 o'clock 50 meters आउट आपको मिल जाएगी वो। बिल्कुल। और देवकुंड का नज़ारा आप लीजिए, इसके आसपास हरियाली है क्योंकि पानी यहाँ पर रहता है काफ़ी टाइम साल में, तो बहुत ही एक शांतिपूर्वक स्पॉट है। मतलब जोधपुर का शहर जो है वो बढ़ते बढ़ते काफ़ी शोर शराबे वाला, ट्रैफिक जैम, लोग इधर उधर, लेकिन जब आप ऊपर पहाड़ पे आएंगे मेहरानगढ़ की तरफ रास्ते में तो बिल्कुल पहले उससे जसवंत थड़ा आएगा और ये बहुत ही एक शांतिपूर्वक जगह है। चल कहीं पर चल के शांति का एहसास करते हैं। आप फूल देखिए कितने सुंदर फूल है, वाह वाह। रोगी भाई, मेरे को शांति ऐसे मिलती है जैसे मतलब पेट भरा हो, खाली हो। और जब यहां पर आए आप अंदर जरूर आके देखें, बहुत ही खूबसूरत कूल शेडी ये अंदर का एरिया है। मार्बल के कई लेयर हैं तो अंदर काफी ठंड रहती है, बहुत रिलैक्सिंग जगह है, बहुत शांति मिलती है यहां पर आकर। एक मंदिर स्टाइल में कंस्ट्रक्शन करी गई है यहां पर क्योंकि पूजा यहां पर होती है। यहां पर मेमोरियल है सबके, जितने भी राजा महाराजा थे यहाँ पे पहले उन सब की पेंटिंग्स और किस साल से किस साल तक उन्हें राज किया वो सब लिखा हुआ है दीवारों पे। तो काफ़ी एक हिस्टोरिकल जगह है, एक कनेक्ट मिलता है हिस्ट्री के साथ और एक मंदिर जैसी शांति भी आपको यहाँ मिल जाएगी। और मेरी यहाँ पे फेवरेट चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पे आएँ तो ये खूब सारी खिड़कियाँ हैं, तो अगर आप एक खिड़की खोल के थ्रू आपको बड़ी सुंदर व्यू मिलती है, अंदर ठंडी और बाहर धूप और पूरा जोधपुर सिटी का एक क्लोज। ये देखिए, ये देखिए, इधर आइए ना, आइए ना, देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से पूरी सिटी और बाहर एक छोटी सी बच्ची पोज करते हुए। राजस्थान में एक कहावत है, इन गॉड वी ट्रस्ट बट अ फोर्ट इज अ मस्ट। ऐसी कोई कहावत तो अभी बनाई है, लेकिन जो अभी अभी हमने नहीं बनाया वो है 1459 में बना हुआ राव जोधा सिंह द्वारा।
बहुत ही खूबसूरत मेहरानगढ़ किला, भाकुर चिड़िया पहाड़ी का नाम था इससे पहले, माउंटेन ऑफ बर्ड्स जहाँ पे चिड़िया रहती थी, तो वहाँ पर बनाया गया ये शानदार किला 400 फुट से भी ऊपर, जोधपुर सिटी के सारा शहर आपको यहाँ से नीचे दिखता है। और इस किले के बारे में कई लोग कई कुछ कह चुके हैं, आपको कई चीज़ें दिखा चुके हैं, इसलिए हम थोड़े अनयूजुअल हैं, हम डिफरेंट टाइप के लोग हैं, डिफरेंट, तो हम आपको किला भी नहीं ले जा रहे, हम आपको सिर्फ खूबसूरती दिखा रहे हैं। लेकिन किला जो है बहुत ही शानदार है, अगर मैं बैठा होता है ऊपर गन के साथ तो पता नहीं क्या क्या हो गया होता उनके साथ। जो फोर्ट, एक तो आपको ये दिखता है फोर्ट जो पूरा एरेज कहते हैं, उसके 7 गेट है, एंड जो पूरा इसकी जो वॉल है 5 किलोमीटर्स जो है एरिया कवर करती है और प्रोटेक्ट करती है सब इन्वेडर से। लेकिन अब तो इन्वेडर नहीं आते, अब तो टूरिस्ट आते हैं सिर्फ। टूरिस्ट से प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है अपने आप को यार, टूरिस्ट से तो बहुत मुश्किल है। तो बहरहाल सिचुएशन ये है, ये है सेनोटाइफ्स रॉयल फैमिली के यहाँ पर जसवंत थड़ा पे जो बने हुए हैं। और आधा दिन आप ज़रूर रखिए, अगर फोर्ट में जाना हो आपको, सुबह 9 बजे जसवंत थड़ा खुलता है, तो 9 बजे यहाँ पर आइए, जब तक थोड़ी गर्मी कम हो उस टाइम यहाँ पर आके अपनी फोटोग्राफ्स वगैरह खूबसूरती नज़ारा देखिए, उसके बाद फोर्ट में जाइए। फोर्ट में खाने के लिए अरेंजमेंट्स भी हैं, कैफ़े है, तो वहाँ पर लंच कीजिए, मतलब एक पूरा दिन आपका निकल सकता है, लेकिन हाफ डे तो पूरा एक्शन पैक्ड हो जाएगा। और बाय चांस अगर आपको बैकग्राउंड में ये जोर जोर से आवाज़ आ रही है गुरुं गुरुं की, वो हमारे पेट नहीं है, हम ऑलरेडी थोड़ा नाश्ता कर चुके हैं, वो कोई प्लेन जा रहा था ऊपर से, इसलिए मैंने कहा आपको बता देते हैं, आप सोचेंगे नहीं तो कहाँ से आ रही है सब आवाज़। हाँ बिल्कुल। और बस अब खूबसूरत पहाड़ हैं आसपास, चारों तरफ फोर्ट की दीवारें हैं, गर्मी में मेरी जान निकल रही है, कुछ पिला दे प्लीज, ठंडा पिला दे पानी, छाया में बैठते लेट जा प्लीज, घास लेट